Good morning, children. How are you all? I hope you are all doing great. Okay, children, today we are going to do day 15. Today we are going to learn from the day 15. So when you open up your book and come here on day 15, yes, you are going to learn about parts of the plant. You see the plants all around you, right? That make our environment look green, and also it helps gives us oxygen. That is very much necessary for us. Now we are going to learn about its part. So children, now I've just got to explain the steps also. That is, we put seeds in the soil. आप लोग पहले क्या करते हो मिट्टी में बीज डालते हो seeds, right? These are the seeds. We put the seeds. Then what do? You pour the water. आप उसको पानी डालते हो. Put the water. And in the presence of sunlight, जब sunlight होती है, water होता है, और यहाँ पे क्या होती है, मिट्टी होती है, so it will start growing. तो पहले क्या होगा, उसमें से sprout आएगा. What will come? The sprout will come. उसमें से sprout निकलेगा. And then this is the cycle. पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर धीरे-धीरे उसमें से stem निकलेगी, जो सॉइल से बाहर आएगी. द स्टेम विल कम स्लोली स्लोली आउट ऑफ द सॉइल, और ये रूट्स बढ़ते जाएंगे. दिस आर द रूट्स, दिस आर द रूट्स. सो सीड्स आए, स्प्राउट आए, फिर देन द रूट्स नीचे से निकले, ऊपर क्या आया, लीव. और फिर नेक्स्ट स्टेप में वो धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा. पर वो ग्रो कब होगा, जब उसको सनलाइट मिलेगी, वाटर मिलेगा, तभी वो ग्रो होगा. नाउ दिस आर द डिफरेंट पार्ट्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न. नाउ दिस इज द फ्लावर. सो फ्लावर की जो ये पंखुड़िया है उसको क्या बोलते हैं, पेटल्स. क्या बोलते हैं, पेटल्स. ये फ्लावर की पेटल्स बोलते हैं. जैसे अगर ये मेरे पास तो पेपर फ्लावर है, पर जो ये पार्ट है फ्लावर का, ये है पेटल्स. दिस आर कॉल्ड द पेटल्स. दिस आर कॉल्ड द पेटल्स. दिस आर द लीव्स. ये क्या है, ये है लीव्स. अगर एक है तो लीफ बोलेंगे. ओके, सो अगर ये है लीव्स, जब उसको हम एक ही बोलेंगे तो वी विल कॉल इट लीव. सो अगर मैं एक ही बोलूंगी तो वो बनेगा लीव. देन यू हैव द स्टेम. ये क्या है, ये पार्ट है, उसको स्टेम बोलते हैं. जो डंडी होती है ग्रीन कलर की, दैट इज द स्टेम. एंड फ्लावर्स के बीच में भी सीड्स होते हैं. ये जैसे कि यहाँ पे आपको सनफ्लावर जैसा फ्लावर है, तो उसमें भी बीच में सीड्स दे होते हैं, जिसको हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं. दैट आर द पोलन ग्रेन्स. ओके, सो दिस इज द प्लांट एंड दिस इज द वे इट ग्रोज, द वे इट ग्रोज. तो प्लांट पहले सीड्स था, सीड्स में वॉटर एंड सनलाइट आई, स्प्राउट आया, फिर धीरे वो थोड़ा बड़ा हुआ, एंड देन इट विल बिकम इनटू अ प्लांट. और प्लांट के ये क्या पार्ट है, ये लीफ है. जो पत्ते होते हैं ना, उसे लीफ कहते हैं. फिर जो ये डंडी है, दिस इज ग्रीन कलर, दिस इज कॉल्ड स्टेम. दिस आर द पेटल्स. और उसके बीच में भी सीड्स होते हैं, जिसे पोलन ग्रेन बोलते हो. और ये जो नीचे का पार्ट है, जो नीचे बढ़ता जाता है, दैट कीप इट होल्डिंग. क्यों हमारा प्लांट हिलता एक्सक्यूज मी, क्यों हमारा प्लांट हिलता नहीं है, क्योंकि रूट्स है. ये जो रूट्स है वो उसे वहां पे होल्ड करके रखती है. दिस आर द रूट्स. जो मिट्टी में होती है ये रूट्स है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर पेज. यू हैव टू कलर द डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स. दैट इज, यू हैव टू कलर द बस, ट्रक एंड द कार. ओके चिल्ड्रन, नाउ टर्निंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. इन इंग्लिश वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू स्टोरी, दैट इज द पिजन एंड द हन. नाउ As I always say, the story comes with the moral. हर story हमें कुछ moral सिखाती है. Now in this story, you have the three characters. There is a pigeon, there is an ant, and there is a boy also. Now I'm just going to show you in a sequence way so that you can understand the story in a better way. An ant fell into a pond. Once an ant
फेल इन टू द पॉन्ड एंड वॉज स्ट्रगलिंग टू कम आउट. देखो आप एक एंट है जो पानी में गिरी है और वो पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है. अ पीजन सिटिंग ऑन द ट्री. अ पीजन सिटिंग ऑन द ट्री. पीजन देख रहे हो ट्री पे, वो वहां से देख रहा है. एंड ही ड्रॉप्ड अ लीफ फॉर द एंट टू क्लाइंब ऑन. तो पीजन ने क्या किया कि वो जहां पे ट्री पे बैठा था वहां से उसने एक जो लीफ थी वो उसने पानी में डाल दी. देन द सो दैट द एंट कैन कम अंडर द लीफ एंड क्लाइंब ऑन. सो अ पीजन सिटिंग ऑन द ट्री सो दिस एंड ड्रॉप्ड अ लीफ फॉर द एंट टू क्लाइंब ऑन. द एंट गॉट ऑन द लीफ. एंट तो लीफ पे चढ़ गई एंड रीच द एज ऑफ द पॉन्ड सेफली. और पीजन ने एंट को बचा लिया वो लीफ के सहारे. वो एज ऑफ द वॉटर मतलब पॉन्ड का मतलब है कि वो यहाँ पे जो किनारा था वहां पे आ गई और वैसे वो बच गई. अ फ्यू डेज लेटर. और फिर एंट ने पीजन को थैंक यू बोला. फ्यू डेज लेटर अ एंट सो अ बॉय एमिंग टू स्विंग एट द पीजन. फिर एंट ने क्या देखा कि एक बॉय है वो पीजन को मारने की कोशिश कर रहा है. वो अपनी स्लिंग से उसे मारने वाला है. इट स्टंग द बॉय. उसने देखो यहाँ पे कैन यू सी एंट ने क्या किया. एंट ने ये देखा तो एंट ने पीजन को बचाने के लिए एंट ने उस बॉय को वहां पे क्या किया, स्टंग किया. स्टंग किया मतलब उसको काट दिया. द पीजन फ्लू अवे व्हेन इट हियर्ड द बॉय स्क्रीम. जब बॉय ने उस चींटी ने बॉय को काटा तो द बॉय शाउटेड एंड स्क्रीम्ड किया. उसने चिल्लाया और ये सुन के पीजन जस्ट फ्लू अवे. देखो पीजन उड़ गई. तो पीजन वहां पे उड़ गया. थस द एंट सेव्ड द पीजन. द एंट एंड द पीजन बिकेम गुड फ्रेंड्स. और फिर सो वन मोर टाइम वंस अ एंट फेल इनटू द पॉन्ड एंड वाज स्ट्रगलिंग टू कम आउट. द पीजन सिटिंग ऑन अ ट्री सो दिस एंड ड्रॉप्ड अ लीफ फॉर द एंट टू क्लाइंब ऑन. Then got on the leaf and reached the edge of the pond safely. A few days later, the ant saw a boy aiming his sling at the pigeon. It stung the boy. The pigeon flew away when it heard the boy scream. Thus the ant saved the pigeon. The ant and the pigeon became good friends. So now the moral of the story is, if you do good, good will come to you. अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा. वन गुड टर्न डिजर्व अनदर. एक अच्छा करने से हमारे साथ भी अच्छा होता है. सो देखो जैसे अगर पीजन ने एंट को बचाया, जब एंट मुश्किल में थी तो पीजन ने एंट को बचाया, और जब पीजन मुश्किल में था तब एंट ने बचाया. सो वन इफ यू डू गुड, गुड विल कम टू यू. सो हमें हमेशा सबके साथ अच्छा ही करना चाहिए. दैट इज वॉट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी. Now turning on to the next page, you are having a two-letter word, a new two-letter word that is S. We are learning A or S kya ban jayega? S. Jaise has, was, तो ए एस एस होके बन जाएगा एस एस. ए और एस जब साथ में होगा तो ये टू लेटर वर्ड होगा एस एस. ओके तो आप उसको फोनिक में भी कर सकते हो एस हैज वॉज. वैसे बहुत सारे टू लेटर वर्ड्स में यूज होता है. So with that we have completed with the day 15. Bye bye and have a nice day. Okay children, so now day 16. We are doing day 16. So when you open the page you have a Hindi letter that is A. So the formation is you have to write the A. And then you have to make two dots. Okay.
Now, this letter does not have any beginning letter. इससे कोई letter word start नहीं होते, कभी बीच में use होता है या फिर end में use होता है. जैसे दुख या so this is used in this way. तो ये ऐसे ही यूज होता है. Now with this we have completed the Hindi swarmala. So we are just going to do a little revision. That is a, a, e, e, u, u, ru, a, a, o, au, ah. So ये हमारा हिंदी स्वरमाला कंप्लीट हो गई, जिसे आपने रेगुलर प्रैक्टिस करना है विद द वर्ड्स एंड द पिक्चर्स. आपने इसको पिक्चर्स के साथ सीखना है. सो डू द रिवीजन एवरी डे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. टिक द रोडवेज. टिक द रोडवेज मतलब जो व्हीकल्स रोड पे चलते हैं उसके नीचे के बॉक्स में हम टिक करेंगे. सो द ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा रोडवेज है तो हम उसके नीचे यहाँ पे टिक करेंगे. कार, अगेन कार इज ऑल्सो रोड ट्रांसपोर्ट तो उसको भी हम टिक करेंगे. नाउ हॉट एयर बलून. हॉट एयर बलून इज नॉट अ रोडवे तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है. देन इज द बोट. बोट भी रोड पे नहीं चलती, इट इज अ वॉटर ट्रांसपोर्ट. नाउ हियर इज ट्रेन. बट हम रोडवेज की बात कर रहे हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट नहीं बोल रहे, रोडवेज. तो ट्रेन है वो रोड पे नहीं चलती है, वो रेल ट्रैक पे चलती है. तो इसके लिए भी यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले. तो हमें ऑटो रिक्शा और कार में ही सिर्फ टिक करना है और आपने सिर्फ टिक मार्क करना है. द नेक्स्ट पेज जो है वो आपने अह लिखना है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. हम टू लेटर वर्ड सीख रहे हैं, दैट इज आई एफ इफ. तो आई और एफ, जब हम आई और एफ को साथ में लेंगे तो क्या बनेगा? इफ. क्या बनेगा? दिस इज द टू लेटर वर्ड इफ. तो आई का साउंड और एफ भी आप कर सकते हो. जैसे आई का साउंड है ई, 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 इफ. सो इफ का फॉर्मेशन आपने कैसे करना है? पहले आपने आई लिखना है, स्मॉल आई एंड स्मॉल एफ. अभी जो टू लेटर वर्ड्स हम कर रहे हैं, देट आर ऑल द स्मॉल लेटर्स. देर आर स्मॉल लेटर्स. आई एफ इफ, आई एफ इफ, आई एफ इफ से वर्ड्स स्टार्ट नहीं होते, वो बीच बीच में यूज होते हैं. जैसे लाइफ में है, यू कैन सी दिस आई एफ. लिफ्ट में है, वाइफ में है, गिफ्ट में है. सो दिस आर द is if where it is used in these words. If in words mein aise use hua hai. Okay children, we are also going to do the oral drill of numbers. Now we are moving from 51. Abhi hum 51 se aage start kar rahe hain. We are starting from 51 to 80. So 5 1 51 5 2 52 5 3 53 5 4 55 5 6 56 5 7 57 5 8 58 5 9 59 and then comes after 5 comes 6. So 6 0 60. Then we'll start 6 1 61 6 2 62 6 3 63 6 4 64 6 5 65 6 6 66 6 7 67
प्रैक्टिस करना है. यू हैव टू प्रैक्टिस द नंबर्स ऑल्सो. सो दैट इज ऑल फॉर द डे. बाय बाय.